बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। डेली रूटीन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज जो है मेरा बड़ा बेटा सैंडविच बना रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उमर सैंडविच किस तरह से बनाता है। इसने जो है तीन अंडे बॉयल कर लिए हैं, अब देखेंगे क्या करते हैं। अच्छा उमर बताओ क्या करोगे अब इनको? पहले हम इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम इनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह। सही। फिर इसमें मायनीज डालेंगे और नमक, काली मिर्च। ठीक है, ये आप ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल। ये मैं बताती चलूँ कि सैंडविच बहुत अच्छे बनाता है, इसीलिए स्पेशली मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेरा सैंडविच बहुत इजीली जल्दी से बन जाते हैं। लड़कों को भी थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल भी काम ना करें। हम तो ट्राई कर चुके हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कमेंट करके आपको कैसे लगे। एक्चुअली हमारी अभी इतना डाइट चली गई है, लाइट का आपको पता हमारे पाकिस्तान में ये इशू रहता ही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, लोड शेडिंग हमारी जो है ना बहुत होती है। अब क्या करेंगे उमर आप इसके अंदर? अब पहले हम लोग इसमें मायनीज ऐड करेंगे, फिर उसके बाद नमक, काली मिर्च। सही, ज़बरदस्त हो गया। ये देखें कितने अच्छे इसने जो है ना अंडे हमारे ग्रेट कर लिए हैं। थोड़ी वीडियो ब्लर हो गई थी, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे और शानदार इसने अंडे जो हैं हमारे किए हैं। अब इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स में शामिल करते हैं। अब ये इसके अंदर जो है ना मायनीज शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, मायनीज मिक्स कर लेंगे। मायनीज आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यानी अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मायनीज अच्छी लगती है। आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको कम अच्छी लगती है तो आप कम डाल सकते हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग कैचअप ऐड कर लेंगे, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, नहीं करना चाहें आप नहीं करें, बस काफ़ी है उमर। सही हो गया। अब क्या करेंगे उमर आप इसको? अब इसमें हम लोग नमक, काली मिर्च ऐड कर, ठीक है, इसमें हम लोग नमक, काली मिर्च ऐड कर देंगे। ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे। आई थिंक बैटर आपका तैयार हो गया। जी बिल्कुल, ज़रा सा और मिक्स करेंगे ताकि नमक, काली मिर्च जो है वो अच्छी तरह ज़रा मिक्स हो जाए, ताकि टेस्ट आपका सही बन जाए। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, हमने ये ब्रेड ले लिया, अब हम लोग इसका सैंडविच बनाएंगे। ठीक है, हमारी लाइट जो है ना जाकमचोली खेल रही है, बार बार लाइट आ रही है और जा रही है। ये आप देख सकते हैं हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें लगा लिया, हम लोग इसको बंद कर सकते हैं और अब ये खाने के लिए प्रेस कर देंगे, उधर प्रेस कर देंगे यहाँ और अब ये खाने के लिए रेडी है। चलें अब आप वन बाय वन वे सैंडविच बनाते जाएं, जब ये बन जाएंगे हम आपको दिखाएंगे कि हमारे सैंडविच कैसे बने। अच्छा उमर ये बताएं, आपने इसके साइडों के साइड कट नहीं किए? वो मतलब ये ब्रेड दूसरी है, मतलब यानी आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप स्लाइस कट करें या ना करें। असल में ये है मिल्की ब्रेड, सैंडविच ब्रेड नहीं है, जिसके हम स्लाइसेस के स्लाइसेस ऑलरेडी जो है ना यहाँ से सॉफ्ट ही होते हैं, तो हम नॉर्मल घर में जो ब्रेड यूज़ करते हैं मिल्की ब्रेड के, वो ब्रेड है। तो नॉर्मल ब्रेकफास्ट में हम इसके स्लाइसेस ऑलरेडी जो किनारे जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए हम वो उतारते नहीं हैं, ऐसे ही उमर? जी बिल्कुल। सैंडविच ब्रेड की तरह जो साइडें होती हैं वो हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से हम उसको स्लाइसेस के जो किनारे हैं ना वो उतारते नहीं हैं।
सैंडविच रेडी हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।